अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आप समर सीजन के लिए देखेंगी बेबीज के काफ्तान ड्रेस डिजाइंस। इस तरह के जो छोटी छोटी बेबीज होती हैं उन पर इस टाइप के समर सीजन में काफ्तान बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, बहुत इजी हैं, बहुत कम फैब्रिक में ये काफ्तान ड्रेस बहुत ही खूबसूरत स्टिच हो जाते हैं। इनको सीना और इनकी डिजाइनिंग देखकर आप अंदाजा कर सकते हैं ये कितने इजी हैं। एक सिंपल से फैब्रिक को डबल फोल्ड कर नेक लाइन बनाए और फिटिंग के मुताबिक आप उसका निशान लगाकर साइडों में दोनों साइड फिटिंग कर दें थोड़ी थोड़ी, यानी कि बेबीज की फिटिंग बहुत कम होती है, बड़ी गर्ल्स की थोड़ी सी 5-6 इंच से ज़्यादा होती है। यानी कि आप साइडों की जो फिटिंग होती है, मेरा बताने का मकसद है वो, थोड़ी थोड़ी कर लें। कोई लोग स्लीव्स की साइड भी फिटिंग कर लेते हैं, यानी स्लीव्स वाले हिस्से की साइड से स्टिच कर देते हैं, और कुछ लोग इलास्टिक डाल लेते हैं, कुछ डोरी डाल लेते हैं, सेंटर में डोरी डालकर फिटिंग कर लेने से भी आपका ये बेबी काफ्तान बहुत प्यारा लगता है। जैसा कि इस तस्वीर में आप देख रही हैं, इसमें इलास्टिक है। इलास्टिक से कभी कभी बेबीज तंग होती हैं गर्मियों में, क्योंकि ये ऊपर की तरफ उठती है। अगर आप इसमें डोरी डाल लेंगी तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत तरीके से ये बनेगी, लूज भी कर सकती हैं और वक्त के साथ टाइट भी कर सकती हैं। और इस तरह से ये देखें, सेंटर में अगर आप इलास्टिक डाल लेंगी तब भी बहुत खूबसूरत लगेगा, लेकिन साइडों में से थोड़ी थोड़ी फिटिंग लाजमी करें ताकि बेबीज तंग ना हो। इस तरीके से आप ये देख रही हैं, इसमें फिटिंग हुई हुई है और बेबीज जब काफ्तान पहनेगी तो कंफर्टेबल रहेगी, ना कि बार बार आपका ये काफ्तान टाइप का ड्रेस इधर उधर होगा। तो व्यूवर्स, इस तरह से आप नेक लाइन छोटी बड़ी आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी बना लें, स्ट्रेट बनाएं नीचे से दामन, चाहे राउंड शेप में, चाहे ट्राइंगल, जो आपको अच्छा लगे। और चारों तरफ आप लैस भी लगा सकती हैं, टैजल वाली लैस भी, सिंपल भी, पाइपिंग भी, और पीको भी करवा सकती हैं, क्योंकि पीको करवा लेने के बाद आप इस तरह से डिजाइनर ड्रेस बनाएंगी, आपका बहुत खूबसूरत लगेगा। अगर आप खुद से मुड़ाई करेंगी इतनी नीट नहीं होगी जितना ये ड्रेस लैस लगने से ज्यादा खूबसूरत लगता है। ये देखें व्यूअर्स, इस तरह से भी आप इस टाइप के ड्रेस बना सकती हैं। ये मैंने आपको सिर्फ एक आइडिया दिया है, काफ्तान शेप में इस तरह से भी आप बना सकती हैं, क्योंकि अक्सर हमारी गर्ल्स को कुछ आइडिये देने होते हैं। अब ये देखें, पाइपिंग और छोटी छोटी बारीक लैस जो कि आजकल आई हुई है इस टाइप की, इस तरह से बनाए। और जो मैंने आपको आइडिया दिया था ये डोरी वाला जो आइडिया है, ये बहुत ही कम्फर्टेबल रहता है बेबीज के लिए, बेबीज तंग नहीं होती। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये स्टिचिंग की बनाने का तरीका बोलने में समझ आ गया होगा। अगर ना भी समझ आए तो आप हमारे चैनल से इनकी कटिंग एंड स्टिचिंग देखिए, बहुत इजी मेथड है। और प्लीज आपसे दुआ, अल्लाह पाक से दुआ कीजिए, अल्लाह पाक हम सबको सेहत वाली, नमाज रोजे वाली जिंदगी अता फरमाए, आमीन। हम सबको हर मुझी मरज से बचा कर रखे, आमीन। और अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए दुआ कीजिए। ओके।